हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए दही चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें मैं सूजी की इडली बनाना आपको बताऊँगी। और उसमें मैं क्या क्या डालूँगी, मटर, ये मैंने बॉयल कर लिए मटर, थोड़ी सी मटर डालूँगी और ये हरा धनिया, एक हरी मिर्च पत्ती कटी हुई और एक थोड़ी सी लाल मिर्च, क्या कहते हैं ये, नमक और हल्दी। चलिए मैं इसको एक कटोरी सूजी को इसमें डाल देती हूँ। और मटर को थोड़ा पीस लेती हूँ और ये जो मेरे मटर का पानी है ये मैं इसमें डालूँगी। मटर मैंने बॉयल किया था तो उसी पानी को मैं इसमें डाल दूँ। इसमें इसको थोड़ी आधा घंटे के लिए मैं इसको भिगा देती हूँ सूजी को। और ये जो मटर है इसको मैं मिक्सी में थोड़ा पीस लेती हूँ। दोस्तों ये सूजी भीग गई, आधा घंटा हो गया इसको। अब मैं इसको इसमें क्या थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और ये मैंने मटर जो बॉयल किए थे वो पीस लिए। और ये मैं एक हरी मिर्च बहुत पतली काटी मैंने, तो ज़्यादा मिर्च हम लोग खाते नहीं तो मैंने कमी डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और एक हरा धनिया की पत्तियाँ मैंने डाली इसमें। और थोड़ी सी ये लाल मिर्च, अब मैं इसको सबको मिला लेती हूँ और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों ये मैं इसको सब मिला लेती हूँ। हरी मटर मैंने उसको बॉयल करके डाला है ताकि इसमें कच्चा पन ना रहे और उसकी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालूँ। एक मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब मैं इसको इडली के सांचे में, ये मैंने इसमें तेल लगा दिया तो मैं इसको इडली के सांचे में डालूँ।
मैं इसकी जवानी भरूंगी थोड़ा सा। दोस्तों ये मैंने इसको इडली के सांचे में डाल डाल दिया। अब मैं इसको पानी बॉयल हुए पानी बॉयल हो गया तो मैं इसको इसको इसके अंदर रखूँगा। थोड़ा पानी बना और मैं इसका चल इसके अंदर रखूँगी। बीस मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों 15 से 20 मिनट होने वाले हैं, देखते हुए अब इसका ये चेक कर लेती हूँ। ये पक चुके हैं, थोड़ा सा एक मिनट के लिए और मैं कम रखती हूँ। दोस्तों एक मिनट हो गए, अभी ये पक चुके हैं इडली, हवाएँ तैयार हो गई। अब मैं इसका गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों अब मैं इसको इडली को निकाल देती हूँ, इडली ठंडी होगी। दोस्तों इडली बहुत ही अच्छी बनी और एकदम सॉफ्ट बनी है। दोस्तों इडली बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट और बनी और बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं अब इसमें इसके तड़का तैयार करती हूँ। इसमें मैं एक चम्मच घी डालूँगी, गैस ऑन कर, और इसमें मैं कड़ी पत्ता और इसमें 2-4 पत्ते कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता और इसमें मैं थोड़ा सा राई डालूंगी। और चुटकी भर हींग डालूं, इसको अच्छे से उठा लेती हूँ। पत्ता
में से ये इडली डाल देते हैं। मैं इसको निकालूं, गैस में बंद कर देती हूँ। सभी इडली को सभी पत्ते कर दूँ, तो ये अब तैयार हो गए। ये इडली हमारी तैयार हो गई, बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसके साथ मैंने ये टमाटर और मिर्च और धनिया की चटनी बनाई है। अब इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये इडली और नारियल की चटनी के साथ, तो सब मतलब मन खाते ही हैं। पर आप धनिया और टमाटर इसकी चटनी बना के इस इडली खाइए तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनी इडली और बहुत ही देखिए सॉफ्ट बनी एकदम। तो आप इसको ज़रूर बनाएं इडली को, और नारियल चैनल को लाइक और शेयर करिए और इसको देखते रहिए नए नए चैनल, और इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।